and what a bakwas. Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my channel. I really hope you guys are doing well. So, आज का वीडियो होने वाला है कलेक्टिव नायका सेल हॉल वीडियो. पिछले कुछ दो तीन महीनों से मैं नायका से शॉप कर रही हूँ. अभी उनका कुछ समर सेल चल रहा था, फिर स्प्रिंग सेल चल रहा था. नायका में ऐसे सेल चलते रहते हैं एंड आई शॉप सम मेकअप आइटम एंड देयर आर सम स्किन केयर आइटम फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड फेस शॉप. मुझे फेस शॉप एज अ स्किन केयर लाइन काफी ज्यादा पसंद है. उनके काफी प्रोडक्ट्स मुझे सूट भी करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी. एंड टुडेज वीडियो टाइटल इज कम्प्लीटली कॉपीड फ्रॉम जानवीज वीडियो दैट शी posted about 3 weeks back. You know, brown skin must have Nykaa sale haul video. I completely enjoyed the entire video. और जानवी और मेरा skin tone ना काफी मिलता जुलता है. So जो भी base products वो खरीदती है ना, मुझे पता है कि वो मुझे भी suit करेगा. So here is my dabba. एक और dabba नीचे रखा है. So I'm gonna start off with primers. So this is by K Beauty. This is their undercover color correcting primer. Orange covers pigmentation. So आप लोग को पता ही होगा कि I have hyperpigmentation around my lips. So I like to use orange color corrector. उसके ऊपर I like to apply my बेस प्रोडक्ट ताकि वो कैंसिल कर सके हाइपरपिगमेंटेशन ऑरेंज कलर करेक्टर. ऑल्सो आई हैव एक्सट्रीमली ऑयली टी जोन एरिया, आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. तो मैं ना कभी कभार समर मेकअप जब करती हूँ ना, तो मैं प्राइमर भी अप्लाई करना पसंद करती हूँ ताकि मेकअप अच्छे से बैठे हो, लॉन्ग लास्टिंग हो. सो जब मैंने ये देखा, आई वॉज लाइक अरे वाह, ये तो 2-in-1 प्रोडक्ट हो गया. प्राइमर का काम भी कर देगा और कलर करेक्टिंग भी कर देगा. सो इफ आई विल टॉक अबाउट द फॉर्मुला ना, इसका फॉर्मुला इज मोर लाइक अ मॉइस्चराइजर. सो इट्स अ मॉइस्चराइजिंग प्राइमर. यू नो आई कैन स्किप माई मॉइस्चराइजर इफ आई एम यूजिंग दिस प्राइमर ऑन माई फेस. इसके ऊपर मेकअप डेफिनेटली अच्छे से बैठता है और अच्छा भी लगता है. इट्स नॉट लाइक अ पोर फिलिंग प्राइमर. ना अगर मैं बात करूँ कि क्या ये कलर करेक्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं. कोई कलर करेक्शन नहीं किया उसने. आई हैड टू गो अहेड विथ माई ओन ऑरेंज कलर करेक्टर. नेक्स्ट प्राइमर इज बाय एल्फ टोन एडजस्टिंग फेस प्राइमर ब्राइटनिंग लैवेंडर. सो दिस प्राइमर हेल्प्स टू प्रेप योर स्किन. इट इज अ पोर फिलिंग प्राइमर और फॉर्मूला बहुत ही शानदार है इसका. सो अगर आपका स्किन टाइप मेरे जैसा है ना, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, तो आप ऐसे पोर फिलिंग प्राइमर या सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर ना मेकअप बहुत अच्छे से बैठता भी है. और अगर आपकी स्किन में टेक्स्चर है ना, तो आप ऐसा कुछ प्राइमर यूज कर सकते हो. ओके, मूविंग ऑन टू सम कंसीलर. सो आई गॉट सम एल्फ कंसीलर. मैंने काफी अच्छी अच्छी बातें सुनी इन कंसीलर के बारे में. सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों की दोनों शेड जो मैंने खरीदे हैं ना, दिस इज नॉट माई स्किन टोन. तो पहले मैंने ये वाला खरीदा था, एकदम तुक्का मार गया. और ये तो बहुत ही ज्यादा लाइट है, आप लोग देख सकते हो. आई कैन यूज दिस एज अ हाइलाइटर फॉर माई अंडर आई टू ब्राइटन माई अंडर आई एरिया. एंड देन आई बॉट दिस शेड. आई वॉज लाइक चलो ठीक है, थोड़ा डार्कर शेड खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा कई होगा, एक दो शेड डार्कर होगा. बट अंडरटोन का काफी फर्क पड़ गया यार. सो दिस इज इन द शेड डीप ऑलिव एंड दिस वन इज टैन न्यूट्रल. तो अभी हम लोग शेड की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है मुझ पे. पर मैं फॉर्मुला की बात जरूर करना चाहूंगी क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा लगा मुझे फॉर्मुला की डेफिनेटली आई विल बाय माई ओन शेड इन दिस फॉर्मुला. मैंने आपको कंसीलर का नाम नहीं बताया. सो दिस इज एल्फ 16 आवर कैमो कंसीलर मैट फिनिश देता है ये आपको. लिटिल गोज अ लॉन्ग वे फॉर दिस वन. सो मैं अपना कंसीलर ना ऐसे वी शेप में अप्लाई करना पसंद करती हूँ ताकि मेरे अंडर आई बैग्स भी हाइड हो जाए. एंड थोड़े समय के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ फॉर लाइक 10-15 सेकंड. उसके बाद मैं ब्लेंड करना पसंद करती हूँ एंड दैट इज व्हाट आई डिड. सो आई अप्लाइड फर्स्ट डीप ऑलिव. उसके ऊपर मैंने हल्का सा टैन न्यूट्रल अप्लाई किया जस्ट सो दैट थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए इस डीप ऑलिव का जो अंडर टोन है. सो डीप ऑलिव हैज मोर लाइक अ ग्रीन अंडर टोन, ऑलिव अंडर टोन. और मेरा स्किन टोन नीड्स वार्म अंडर टोन, येलो अंडर टोन. सो वो मिसिंग है इस डीप ऑलिव में. एनीवे आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से ये मेरे अंडर आई पे सेट हो गया है, बैठ गया ये कंसीलर. मुझे फॉर्मुला डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आया. सो इन कंसीलर्स का ओरिजिनल प्राइस है 600 रुपीज, बट मैंने डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदा. एंड यू विल गेट 6 ml ऑफ प्रोडक्ट इन दिस. एंड देयर इज अनदर कंसीलर. एक्चुअली दिस इज अवर रीपर्चेज. दिस इज बाय वेट एंड वाइल्ड. दिस इज देयर फोटो फोकस कंसीलर करेक्टर. दिस इज इन द शेड मीडियम टॉनी. सो इसका जो शेड है ना मीडियम डीप टैन, वो मेरी स्किन टोन पे काफी अच्छे से मैच करता है. बट ये मीडियम टॉनी इज मोर लाइक अ हाइलाइटिंग शेड. मैं इसे यूज कर सकती हूँ टू ब्राइटन अंडर माई आईज. सो इस कंसीलर का प्राइस है 499 रुपीज एंड यू विल गेट 8.5 ml ऑफ प्रोडक्ट. यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट फॉर दिस एज कम्पेयर टू दिस वन. बट अगर मैं दोनों के फॉर्मुला को भी कंपेयर करूँ ना, तो ये थोड़ा सा लगता है बट ये थोड़ा ज्यादा लगता है. सो आई बॉट दिस फाउंडेशन बाय कलर बार. दिस इज द 24 आवर्स वेटलेस लिक्विड फाउंडेशन. 25 ml आता है इसमें एंड द ओरिजिनल प्राइस इज 995 रुपीज. दिस इज द शेड FW 6.4. अगेन मैंने डिस्काउंटेड प्राइस में ही खरीदा. एक्चुअली वीडियो का टाइटल ही यही है, सेल आइटम. मैं आपको ओरिजिनल प्राइस तो बता रही हूँ, बट आप ये समझ के चल लो कि सारे के सारा प्रोडक्ट मैंने डिस्काउंटेड प्राइस में ही खरीदा है. कुछ ना कुछ मुझे ऑफ या डिस्काउंट उनमें मिला है. सो इट कम्स विद दिस पंप एप्लीकेटर. मुझे इसका जो डिजाइन है ना काफी ज्यादा पसंद आया इस फाउंडेशन का. और ये फाउंडेशन का जो फॉर्मुला है ना, इट इज क्वाइट थिक. एज यू गाइस कैन सी, मैंने छोटा सा पंप लिया है एंड इफ आई विल जस्ट ट्राई टू ब्लेंड इट,
it has a thick formula, you know, and the shade, it is not my skin tone. आप लोगों को लग रहा होगा अरे शालिनी नहीं नहीं ये तो मैच हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. आई नीड सम येलोनेस, सम वार्म अंडरटोन फॉर माई स्किन टोन, एंड दिस हैज अ कूल अंडरटोन. इट कैन लाइक लिटरली वॉश मी आउट दिस फाउंडेशन. सो मैंने ये फाउंडेशन आज अप्लाई तो किया है, बट मैंने कोई दूसरा फाउंडेशन मिक्स किया है टू गेट माई ओन शेड. और जैसे कि नेम सजेस्ट, दिस इज अ वेट लेस फाउंडेशन, आपकी स्किन में बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है. कवरेज आप बिल्ड भी कर सकते हो, आप चाहो तो हैवी कवरेज रख सकते हो फॉर लाइक पार्टी लुक्स. सो फॉर्मुला की वजह से ही मैं अपने स्किन टोन का फाउंडेशन फॉर दिस रेंज डेफिनेटली खरीदूंगी, बट इस बार मैं स्टोर पे जाके अपने आप को ना शेड मैच करूंगी. मूविंग ऑन टू मेकअप स्पॉन्ज का सेट, मैं काफी दिनों से अपनी आंखें इस पे गड़ाई हुई थी और जब मुझे ये सेल पे दिखा मैंने खरीद लिया. सो दिस इज बाय दिस ब्रांड मिलानी. दिस इज देयर द परफेक्टर डुओ टू ब्लेंडिंग स्पॉन्जेस. द लास्ट साइज इज फॉर लाइक बिगर एरियाज फॉर योर बेस मेकअप, एंड द स्मॉल वन इज फॉर स्मॉलर एरियाज लाइक फॉर योर अंडर आईज. तो स्टाइल इज द रीजन आई बॉट दिस स्पॉन्जेस. मेरे पास ऐसे स्टाइल का कोई भी मेकअप स्पॉन्ज नहीं है. तो आप लोग देख सकते हो इट हैज अ फ्लैट सर्फेस और यहाँ पे मिलानी लिखा गया है. दे ऑल्सो हैव गिवन अ कट हियर, जो कि एक और फ्लैट सर्फेस आपको मिल जाता है. अदरवाइज कुछ कुछ मेकअप स्पॉन्जेस में पॉइंटी साइड होता है यहाँ पे, अगर फ्लैट सर्फेस भी दिया होता है तो. एंड देन दे हैव अ डोम साइड. सो डोम साइड का यूज करते हुए आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो. सो जो कि मैंने किया. बाय द वे, जब आप मेकअप स्पॉन्ज यूज करते हो ना, तो आपको ना मेकअप स्पॉन्ज को वेट करना पड़ता है, उसके बाद एक्सेस वाटर रिमूव करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू यूज मेकअप स्पॉन्ज. ये स्पॉन्ज ज्यादा प्रोडक्ट को भी सोक नहीं करता है, जो कि मैंने नोटिस किया. काफी सॉफ्ट है ये स्पॉन्ज, काफी लाइट वेट है ये वाला स्पॉन्ज. और जब अपने मेकअप को सेट कर रही थी ना यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर, मैंने फ्लैट साइड का यूज किया, एंड देन आई यूज दैट साइड टू सेट माई मेकअप, और काफी अच्छे से उसने मेरे मेकअप को सेट कर दिया. बट ये जो टॉप साइड है जहाँ पे एक और डायमेंशन दिया गया है, उसका यूज करते हुए मैंने अपने कॉन्टोर को कार्व किया, और काफी अच्छे से इसने मेरी कॉन्टोर को भी कार्व करने में मदद किया. सो डेफिनेटली मुझे ये वाला स्पॉन्ज काफी ज्यादा पसंद आया. छोटा वाला मैंने अभी यूज नहीं किया. सो इनका जो ओरिजिनल प्राइस है ना फॉर दिस टू स्पॉन्ज वर 1450, एंड दिस वॉज आई थिंक फॉर 35% ऑफ. एनीवे, सो आई हैव नायका का ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर. आई हैव टू डिफरेंट शेड फ्रॉम द सेम रेंज. दिस इज द शेड 04 सैंड एंड दिस इज द शेड 05 ऑलिव. मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सा शेड मेरे स्किन टोन पे जा सकता है, तो मैंने एक डार्कर कलर ले लिया और एक थोड़ा सा लाइट कलर ले लिया. दोनों को मिक्स करो तो एकदम एग्जैक्ट शेड मैच हो जाता है, बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप समर में बहुत टाइम तक बाहर हो तो आपकी स्किन टैन हो जाती है ना, तो ऑलिव भी मुझे एकदम परफेक्ट मैच हो जाता है कभी कभार, और कभी कभार ऑलिव डार्क हो जाता है मेरे स्किन टोन पे. सो इट डिपेंड्स अ लॉट कि आपका स्किन का कलर कितने फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है बेसिकली. सो एज द नेम सजेस्ट, दिस इज द ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड दिस इज ऑलिव 05. काफी फाइनली मेल्ड है फॉर्मुला, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इसका. और मैंने ना स्पॉन्ज एप्लीकेटर की मदद से इस कॉम्पैक्ट पाउडर को पिक करके अपने फेस को सेट किया, हाफ साइड सेट किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितने अच्छे से ये मेरे फेस को सेट कर देता है. और लॉन्ग लास्टिंग भी है ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर. दे क्लेम कि 12 आवर्स तक आप इसे पहन सकते हो, 12 आवर्स तक ये मैट रहेगा आपके स्किन को. ऑल्सो दिस कॉम्पैक्ट पाउडर कम्स विद SPF 15 एंड PA++. 04 सैंड इज मोर लाइक अ हाईलाइटिंग शेड. सो अगर मुझे हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए अंडर माई आईज, सो आई कैन यूज अ कॉम्पैक्ट पाउडर लाइक दिस. काफी अच्छा लगा मुझे इसका फॉर्मुला. एज आई सेड, द प्राइस इज 225. इट इज टोटली वर्थ द हाइप. आई होप दे विल release more shades, more darker colors in this range. Moving on to blushes, someone went crazy this time with her blush key shopping. I definitely don't need this much blush, but you guys know my love for blush in general. I'm a blush person. Aur ye collective haul hai na, to maine ek saath itne sare blushes nahi kharide, dheere dheere karke kharida. So this is by K Beauty, very luxurious packaging they have. So this is their matte blush in the shade Sugar Candy. The price of this is I think 799 rupees, but maine aapko bataya ki maine sab discounted price mein kharida. Anyway, you get a mirror here, very फाइनली मेल्ट प्रोडक्ट. दिस इज इतना फाइनली मेल्ट है ना कि आपको किक बैक देते हैं जब ब्रश की मदद से इसे पिक करने की कोशिश करते हैं. लेट मी शो यू. सो दिस इज माई ब्लश ब्रश. सी हाउ मच किक बैक इट हैज. इट्स वेरी हटके यूनिक कलर. अगर आपका स्किन टोन मेरे स्किन टोन से मैच करता है ना, एंड यू लुकिंग फॉर अ ब्लश दैट कैन गिव यू लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ बार्बी ब्राइटनिंग इफेक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ब्लश का डुओ, दिस इज फ्रॉम मैरी क्लेयर पेरिस. इसमें दो डिफरेंट कलर्स आते हैं और फॉर्मुला थोड़ा सा डिफरेंट है. एक में थोड़ा हल्का सा शिमर आता है, एंड दिस इज अ मैट ब्लश. सो दिस इज अ पीच कलर एंड दिस इज अ डार्क पिंक कलर. फॉर्मुला दोनों का काफी ज्यादा अच्छा है, पिगमेंटेड है और लॉन्ग लास्टिंग भी है स्किन टोन पे. काफी अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाता है, किकबैक नहीं आपको मिलता है इसमें. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, 359 रुपीज का कुछ ब्लश है ये. ओके, जो ये नेक्स्ट डुओ सेट है, इसमें ब्लश आता है और एक हाईलाइटर आता है. दिस इज बाय द ब्रांड रेवलॉन. दिस इज द शेड काइंडनेस एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूटेड ब्राउन ब्लश. बहुत ही सुंदर लगता है स्किन टोन पे, वेरी फाइनली मेल्ट. दिस ब्लश इज वेरी डिफरेंट कलर. आई डोंट हैव अ कलर लाइक दिस इन माई कलेक्शन. इसमें एक हाईलाइटर शेड भी आता है विच इज फाइनली मेल्ट. इट्स अ गोल्डन हाईलाइटर और काफी पिगमेंटेड भी हाईलाइटर. लुक एट दैट. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लश का पैलेट
पैलेट. दिस इज बाय मेकअप एवोल्यूशन अगेन. दिस इज इन द शेड शुगर एंड स्पाइस. काफी टाइम से मैं सोच रही थी एक ब्लश का पैलेट खरीदने का. सो इसमें ना ऐसे दो हाईलाइटिंग शेड वाले ब्लश भी आते हैं. सो आप ना डिफरेंट कलर की ब्लशेस को यहाँ पे मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो. ये खूबसूरती होती है ब्लश पैलेट का. फॉर्मुला की बात करूं, मुझे इसका फॉर्मुला भी अच्छा लगा. सो मैंने ये जो ब्लश पैलेट है ना एज ए आई शेडो आज यूज किया है फॉर सम ट्रांजिशन शेड, फॉर सम क्रीज एंड फॉर द सेंटर ऑफ माई आईलेट आई यूज दैट हाईलाइटर शेड एंड इट इज सो पिगमेंटेड. आप लोग देख सकते हो. सो इस पैलेट को ना एज ए आई शेडो भी आप लोग यूज कर सकते हो टू क्रिएट सम पिंकी लुक्स. तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस इज 1350 रुपीज, बट आई गॉट दिस फॉर लाइक 80 रुपीज और समथिंग लाइक दैट. मूविंग ऑन टू दिस प्रोडक्ट, दिस इज अ कंप्लीट फेल. दिस इज अ आईब्रो पेंसिल बाय फॉरएवर 52 और फेल इसलिए बिकॉज ऑफ द शेड. ओके, सो दिस इज इन द शेड F123 एंड इट्स अ जेट ब्लैक आईब्रो पेंसिल गाइज. ये इतना जेट ब्लैक है दैट आई कैन यूज दिस एज अ काजल. आई मीन लुक एट दैट, इट्स सो डार्क. कभी कभार ऐसे ब्लैक आईब्रो पेंसिल जो होते हैं ना इतने डार्क नहीं होते हैं कि काजल वाला इफेक्ट ही दे दे. दे डोंट हैव लाइक सो मच पिगमेंट टू देम, बट ये तो बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो गया यार. आई कांट यूज दिस ऑन माय आईब्रोज. सो द प्राइस ऑफ दिस इज 250 रुपीज. अगेन डिस्काउंट में खरीदा. इसमें स्पूली भी आता है विच इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पूली. एनीवे कोई बात नहीं, जुगाड़ लगा कि कुछ ना कुछ तो इसका यूज कर लूंगी. मे बी आई कैन यूज दिस ऑन माई आईलिड्स एज अ बेस फॉर माई पिगमेंट्स. बट ये जो नेक्स्ट आईब्रो पेंसिल है ना, दिस इज बाय एल्फ, जिसकी तो मैं कंप्लीटली फैन हो चुकी हूँ. दिस इज अल्ट्रा प्रिसाइज ब्राउ पेंसिल इन द शेड न्यूट्रल ब्राउन. न्यूट्रल ब्राउन जो कलर है, पहली बात तो बहुत ही अच्छा कलर है मेरे आईब्रोज के लिए. आई हैव जेट ब्लैक डार्क आईब्रोज और इस आईब्रो पेंसिल को यूज करना भी काफी आसान है, इजी है. सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस वाज 590 रुपीज. कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था, आई थिंक 25% ऑफ में कुछ मिला था मुझे. नेक्स्ट आई हैव अ आईब्रो मस्कारा. सो मैं हमेशा आईब्रो मस्कारा यूज करके अपने आईब्रोज को सेट करना पसंद करती हूँ. सो दिस इज बाय द ब्रांड एसेंस. एसेंस की प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल होते हैं. ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है गाइस, इस बार मुझे ये मिल गया. सो दिस इज द शेड एबाब. दैट्स द शेड नेम. नो यार, आई थिंक किसी और लैंग्वेज में लिखा है ये. इज इट सो? आई डोंट नो एक्चुअली, बट द शेड इज अ गुड शेड. आई मीन मेरे आईब्रोज को सेट करो तो एकदम लाइट नहीं लगता शेड. नेक्स्ट आई हैव अ आईलाइनर. काफी टाइम बाद मैंने आईलाइनर खरीदा. दिस इज बाय फेसेस कनाडा एक्स कृति सनन. उन दोनों का कोलैबोरेशन है ये. मिनी अल्टाइम प्रो अ मैट मेड इन हेवन इंक आईलाइनर. पहले मैंने आज मस्कारा अप्लाई किया, उसके ऊपर मैंने ये वाला आईलाइनर यूज किया है. मुझे इसका जो एप्लीकेटर है काफी ज्यादा पसंद आया. इट हैज अ पॉइंटी एप्लीकेटर. काफी इजिली मैंने विंग भी क्रिएट कर लिया था. इट इज हाईली पिगमेंटेड. अफोर्डेबल भी काफी था ये. 399 रुपीज एक्चुअल प्राइस थी इसकी. नेक्स्ट आई हैव अ न्यू मस्कारा बाय लॉरियल. इसके बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं. I wanted to see what's the hype about this mascara. So this is easy waterproof air volume mega mascara. First of all, the packaging, it's so beautiful. I've never seen a packaging like this. It has a very big wand, all right? Aur bahut hi closely packed hai iska jo bristle hai wand ka. So mascara definitely eyelashes ko separate karta hai, length provide karta hai aur halka sa volume provide karta hai. Bas yehi dikkat hai ki wand thoda bada hai to niche lagane mein halki se dikkat ho sakti hai. Ek baat bahut achhi lagi mujhe is formula ke bare mein jo ki maine pehli baar aise mascara mein dekha hai aisa formula. कि जब ये सूख जाता है ना तो आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो. पील्स ऑफ लाइक अ फेविकोल. जैसे फेविकोल निकलता है ना, वैसी आईलैशेस से ये निकल जाता है. अगर आपके लोअर लैशेस का मस्कारा यहाँ यहाँ लग जाता है ना, ट्रस्ट मी यू आर गोना लव दिस मस्कारा, क्योंकि ये लगता नहीं है यहाँ पे नीचे नीचे. मूविंग ऑन टू लिपस्टिक्स एंड लिप लाइनर. इस बार इतना कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं है मेरे पास. सो दिस इज मिस्क्ले सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड 15. मिस्क्ले का सॉफ्ट मैट रेंज काफी अफोर्डेबल है. ये मैट फिनिश देता है आपके लिप्स पे. इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट रीअप्लाई आप कर सकते हो. फॉर्मुला की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं. और इसका शेड 55 और 58 आर माय फेवरेट कलर्स. इस बार मैंने शेड 15 खरीदा एंड व्हाट अ वेस्ट, बिकॉज ये वाला शेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे स्किन टोन पे और मेरे लिप्स पे. पर इसका मतलब ये नहीं कि आई कांट वेयर दिस विद लिप लाइनर. अ डार्क कलर लिप लाइनर, आई कैन डेफिनेटली वेयर दिस लिपस्टिक. नेक्स्ट लिपस्टिक इज बाय जस्ट हर्ब एनरिच्ड मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड रोज वुड पिंक. व्हाट अ ब्यूटीफुल शेड गाइज. आई माइट ओन अ शेड लाइक दिस. आई एम नॉट क्वाइट श्योर राइट नाउ. सो इस लिक्विड लिपस्टिक का ओरिजिनल प्राइस इज 595 रुपीज और मैंने इसको ओरिजिनल प्राइस में ही खरीदा बिकॉज दिस वॉज लाइक अ न्यू लॉन्च. इट हैज अ टीयर ड्रॉप एप्लीकेटर एंड दिस लिपस्टिक इज अ कंफर्टेबल मैट लिपस्टिक विदाउट लिप लाइनर. आई कैन डेफिनेटली वेयर दिस, बट हल्का सा ना कॉर्नर कॉर्नर पे आउटलाइन करना मुझे पसंद है विद अ म्यूटेड ब्राउन कलर का लिप लाइनर एंड दैट इज वॉट आई डिड एंड दैट्स द नेक्स्ट लिप लाइनर दैट आई बॉट. दिस इज माई ग्लैम लिट मैट लिप लाइनर पेंसिल
एंड दिस इज द शेड ब्लेंडेड. और ये जो लिप लाइनर है ना, इसका ओरिजिनल प्राइस वाज 445 rupees, बट ये बहुत अच्छे ऑफर में मिल गया था मुझे. नेक्स्ट लिपस्टिक्स आया है फ्लावर ब्यूटी, एंड दिस इज अ कंप्लीट फेलियर. दिस वन ये मुझे 50% ऑफ में कुछ दिखा था एंड मैं आकर्षित हो गई डिस्काउंट देख के, कि चलो ठीक है एक आधी खरीद के देखते कैसा है. एंड व्हाट अ बकवास. सो इसमें एक साइड आता है बुलेट, इट हैज अ डेवी मैट फिनिश टू इट. अगर ये डार्क कलर भी होता ना तो भी मैं यूटिलाइज कर लेती इस लिपस्टिक का, बट कलर ऐसा है कि जस्ट वॉशेस मी आउट सो मच कि आई कांट यूज दिस कलर ऑन मी अगेन. ऐसा कलर मैं लिप लाइनर के साथ यूज तो कर लूँ, बट मुझे नहीं लगता है अप्रोच फॉर दिस एट ऑल. मैंने लिप्स पे भी अप्लाई नहीं करा क्योंकि मुझे पता है कि इट्स गोना वॉश मी आउट अ लॉट, इट्स वेरी वेरी लाइट. के बाद नेक्स्ट साइड आता है पर्लाइज्ड ग्लॉस. बाय द वे मैं आपको नाम बताना भूल गई, दिस इज अ शेड टिकल्ड पिंक. सो ये जो ग्लॉस है ना, इट हैज अ वेरी मेटालिक फिनिश टू इट. अगर मैं इसको अपने लिप्स पे लगा लूँ ना, आई एम गोना लुक लाइक 90s की हीरोइन या फिर 90s की वैम्प जो कि सीरियल में काम करती है, समथिंग लाइक दैट. It's very metallic. But what I like is this bullet lipstick by Flower Beauty. This is in the shade Wild Berry Matte. काफी अच्छा formula है इस bullet lipstick का. Comfortable matte lipstick this is. अच्छे खासे discount में मिल गया था मुझे ये. मेरे skin tone पे बहुत ही अच्छा लगता है and long wear है ये lipstick. Okay, next to lip liner are by Essence. Again, Essence के product बहुत ही ज़्यादा affordable होते हैं. उनके lip liners भी affordable होते हैं और discount में मिल जाए तो और ही बढ़िया और affordable pricing. So this is in the shade 05 Famous. So इसको तो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड व्हेन इट ड्राइज डाउन इट गिव्स अ मैट फिनिश. सो फेमस इज अ वेरी प्रिटी मॉव कलर. ये आप इसे लिपस्टिक भी पहन सकते हो, इतना सुंदर लगेगा ऑन डस्की स्किन टोन दिस कलर फेमस. एंड द नेक्स्ट कलर इज अ रेड कलर. सो मैं ना जब भी डीपर कलर पहनती हूँ या रेड कलर पहनती हूँ, मुझे लिप लाइनर अप्लाई करना अच्छा लगता है ताकि वो ब्लीड ना हो लिपस्टिक आस पास से. दैट्स वाई आई वॉन्ट अ रेड कलर एज वेल. इस रेड कलर का नाम है 07 ऑनेस्ट. लास्ट मेकअप आइटम फॉर टुडेज़ वीडियो इज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे. दिस इज बाय एल्फ मैट मैजिक मिस्ट एंड सेट. बहुत फाइन मिस्ट नहीं निकलता है सेटिंग स्प्रे से, बट काफी अच्छे से ये मेकअप को डेफिनेटली सेट कर देता है और मैटिफाइंग फिनिश देता है सेटिंग स्प्रे. ओरिजिनल प्राइस इज 590, क्वांटिटी आपको मिल जाती है 60 ml, और अच्छा खासा डील एल्फ में जैसे कि मैंने आपको बताया चलता ही रहता है. मूविंग ऑन टू स्किन केयर आइटम नाउ, आई हैव सम रियली अमेजिंग स्टफ टू शो यू. फर्स्ट ऑफ आई हैव दिस पिंपल पैच. दिस इज 24 पैचेस माइक्रो टिप सैलिसिलिक एसिड पैचेस फॉर क्लीन एंड क्लियर स्किन. हाइड्रोक्लोराइड पैचेस आते हैं इसमें, आपको इसको रात में अप्लाई करना रहता है. दिस इज ऑल्सो वाटर प्रूफ एंड ब्रीदेबल. दिस इज बाय द ब्रांड ऑफ डर्माको. आई एम फॉलोइंग इन लव विद दिस ब्रांड्स पिंपल पैचेस. इसका भी अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बट ये काफी अफोर्डेबल और डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे दिख गया था, तो मैंने एक नहीं दो नहीं तीन बैकअप्स मंगाए. और 24 पैचेस आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ऐसे दो का ऐसा पत्ता आता है ऐसा, और मैंने सब कुछ एक ही में ही भर दिया बेसिकली, ताकि जगह ना ज्यादा लेगी मेरी वैनिटी में. एनीवे, पिंपल पैच करता क्या है? कोई एक्टिव एक्ने है, एक्ने के आसपास स्वेलिंग है, रेडनेस है, दर्द हो रहा है या सिस्ट हो गया है, पस फॉर्मेशन हो गया, उसके ऊपर आप पिंपल पैच अप्लाई करो, 7 से 8 घंटे तक रखो, तो नेक्स्ट डे स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है बिकॉज दिस सैलिसिलिक एसिड हेल्प्स टू किल द बैक्टीरिया. मूविंग ऑन, आई बॉट अ फुट केयर किट. दिस बाय द ब्रांड द मैन कंपनी DIY फुट केयर. पैरों पे मेरा ध्यान बहुत कम जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान स्किन पे, फिर बॉडी पे, फिर हेयर पे, लास्ट में बचा कुछ अगर मेरे पास समय हुआ, हालत रही, अगर एनर्जी बची तो मैं पैरों पे ध्यान देती हूँ. सो आई वॉन्टेड टू सी कि ये ऐसे DIY फुट केयर काम करते हैं कि नहीं. मैंने यूज नहीं किया है, बट देखते हैं यूज करके कि ये वाला कैसा काम करता है. मूविंग ऑन टू रेजर्स. यू गाइज नो आई हैव PCOD, तो आई गेट फेशियल हेयर, तो मुझे रेजर्स रीस्टॉक करने पड़ते हैं. एंड कामेसी के जो फेशियल रेजर है, उनके फेशियल रेजर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, ग्रिप काफी अच्छा मिलता है, जिगजैग पैटर्न है इसमें, और वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है रेजर में. I have another razor. This is for bikini area. This is by the brand Fur. Advanced Nano Coated Bikini Line Trimming Razor. So the price of this razor is 149 rupees. And it works, guys. बहुत अच्छे से और clean shave आपको देता है. Blade की quality काफी ज़्यादा matter करती है कि आपको कितना अच्छा सा shave दे रहा है in the bikini area. And जो design होता है razor का, उस पर depend करता है कि कैसे और किस direction पे आप shave कर पा रहे हो कितने अच्छे से. So ये वाला design काफी अच्छे से काम किया है. मैंने इस brand का Carmesi का भी bikini razor try किया हुआ है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बट इस बार मैं दूसरा ब्रांड ट्राई करना चाहती थी. ओके दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फेस शॉप के प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि मैंने फेस शॉप की वेबसाइट से ही खरीदा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस लिप एंड चीक टिंट, वन ऑफ द मोस्ट हाइप प्रोडक्ट फ्रॉम फेस शॉप. कभी जीवन में ट्राई नहीं किया मैंने इसे. सो दिस इज 05 चेरी किस, दैट्स द शेड नेम, एंड दिस इज अ वाटर बेस्ड लिप एंड चीक
टिंट बेयर स्किन पे थोड़ा सा बस चीक्स पे अप्लाई कर दो टिंट एंड जस्ट ब्लेंडेड इट प्रोवाइड्स अ ग्लो टू योर स्किन. ऐसा लगता है विद इन आपकी स्किन ग्लो कर रही है. ये लॉन्ग लास्टिंग भी है. नेक्स्ट आई हैव दिस एलोवेरा जेल बाय फेशर वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस ब्रांड जेजो एलो 99% कंटेन्स एलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेजो. दिस इज 300 ml का डब्बा एंड द प्राइस ऑफ दिस इज 490 rupees. दैट्स द एक्चुअल प्राइस बट आई थिंक ये 15% ऑफ में था. सो ये ट्यूब फॉर्म में भी आता है ऐसे डब्बे फॉर्म में भी आता है. क्वालिटी बहुत अच्छी है इस एलोवेरा जेल की. मुझे एलोवेरा जेल ना रिक्वायर्ड होती है ऑलमोस्ट एवरी थर्ड फोर्थ डे क्योंकि मैं अपने फेस को शेव करती हूँ एंड एलोवेरा जेल एज अ लुब्रिकेंट यूज करना पसंद करती हूँ. और भी डिफरेंट तरीके से आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो अपने फेस पे. नेक्स्ट आई बॉट दिस टोनर. मैंने वाला टोनर ऑलरेडी 2 बार यूज किया हुआ है. दिस इज अ हाइड्रेटिंग टोनर चिया सीड एडवांस विटामिन B12 हाइड्रो टोनर. दिस इज बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. आई मीन 1000 rupees का मुझे पड़ा इवन आफ्टर डिस्काउंट. दिस इज टोटली वर्थ दी मनी क्योंकि काफी लंबे समय तक ये टोनर चल जाता है. आप आराम से 5-6 महीने यूज कर सकते हो. यू नो नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फेशअप इज एसेंशियल कैलेंडुला मॉइस्चर इमल्शन कंटेन्स कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट एंड हायलुरोनिक एसिड. 150 ml का बॉटल है ये. ओरिजिनल प्राइस है इसका 1290 बट डिस्काउंट के बाद कुछ आई थिंक 900 के आसपास का मुझे ये पड़ा था. इट कम्स इन दिस फ्रॉस्टेड ग्लास पैकेजिंग. सो जो इमल्शन होता है ना उसका जो फॉर्मुला होता है इट्स वेरी डिफरेंट टू मॉइस्चराइजर. काफी डायल्यूटेड होता है ये फॉर्मुला और काफी लाइट वेट होता है ये फॉर्मुला. सो अगर आपको लगता है कि मॉइस्चराइजर इज वेरी थिक फॉर योर स्किन यू कैन इन्वेस्ट ऑन इमल्शन. काम वैसे ही करता है मॉइस्चराइजर वाला ही काम करता है ये. सो टू लॉक द बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट आई हैव अप्लाइड ऑन माय फेस समटाइम्स आई लाइक टू यूज इमल्शन. ओके मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम. दिस इज एक्चुअली अ फ्री गिफ्ट सेट दैट आई गॉट फ्रॉम फेस शॉप क्योंकि मैंने फेस शॉप की वेबसाइट से काफी कुछ परचेज कर लिया था. दिस इज एक्चुअली देयर चिया सीड हाइड्रेटिंग ट्रायो किट. सो इस किट में 3 प्रोडक्ट आते हैं. देयर हाइड्रो टोनर जो की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हाइड्रो लोशन एंड देन देयर फेस मॉइस्चराइजर. सो आई एम नॉट गोना यूज दिस. प्रॉब्ली ये गिव अवे में जाएगा फ्यूचर में. जब मैं करूंगी ना तो उसमें ये डेफिनेटली जाएगा. ऑल राइट गाइस दैट वाज द लास्ट आइटम इन टुडेस वीडियो एंड दिस वाज द होल वीडियो फॉर टुडे फॉर मेकअप एंड स्किन केयर. अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, मजा आया देखने में, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच ऐसे और वीडियोस एंड कंटेंट. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ विद ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर. यस लियो, यस.